हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। आपने अपने घर पे बप्पा का आगमन किया है, कितने साल हो गए और क्या महत्व रखता है आपके जीवन में बप्पा का, बताइए। ये इनको 13 साल हो गए अभी। ये कि हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी और उनके लिए मनौती थी, तो उसके बाद सक्षम हुए और सक्षम हमारे पुत्र हैं। तो ये जैसे मैं शिव भक्त हूँ, बैठ जाओ, ठीक से बैठो, रिलैक्स। तो सक्षम जैसे शिव भक्त हूँ तो मैं उनकी उपासना करता रहा। फिर किसी ने कहा उनके पुत्र को भी आपको प्रसन्न करेंगे तो शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो फिर इनकी पुत्र की सेवा करने लगे और हम इनसे मनौती किए कि खाई आपकी सेवा में कोई बाधा हो या तकलीफ हो तो क्षमा कर दीजिएगा, कभी कोई कमी बेसी हो। और उसके बाद ये हो गया कि वो 5 साल की मनौती थी हमारी, मन्नत जिसको कहते हैं, और वो 5 साल के बाद फिर मन किया कि इनको हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जितना हमारे में शक्ति है कि इनकी सेवा करें। तो हर साल हम लोग 1.5 दिन के लाते हैं, इको फ्रेंडली लाए हैं इनको, ताकि ये संदेशा भी जाए कि मुझे सही में बहुत दुख होता है। मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा जितने भी देख रहे हैं इस वक्त मुझे, कि जब गणेश जी को विसर्जन करते हैं और सुबह में उनके हाथ पैर टूटे हुए फिर आते हैं या समंदर पे बहुत बुरी दशा में होते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो आप तो अंदर के जीव जंतु भी पानी के समंदर के मारे जाते हैं, उस क्योंकि केमिकल होता है। तो इको फ्रेंडली गणपति गणेश जी बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, पोल्यूशन फ्री के लिए, साफ़ सफाई के लिए, गंदगी ना हो, पानी ख़राब ना हो, मछलियाँ ना मरें, किसी को अंदर परेशानी ना हो पानी में, जल में। वो जल का इस्तेमाल भी करना है, प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं हम लोगों को जल का संरक्षण करना है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए मैं पिछले 3 साल से इको फ्रेंडली गणेश जी हम ला रहे हैं। तो इनका विसर्जन हम अपने घर, मेरे घर में बहुत पेड़ पौधे हैं, यहीं पर इनका विसर्जन होगा। सर, एक खबर आ रही है कि कुछ हादसे होते-होते हाँ जी, मैं कल ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी का एक हमारे प्रभात झा जी हैं राज्यसभा मेंबर, उनका एक कार्यक्रम था कि 25 लाख रुपए का जो अनुदान था वो MP लैड का, वो गरीबों में अपंग लोगों में उन्होंने बहुत अच्छे से, उनके बेटे ने तुष्मुल झा जी ने सब किया था वो कार्यक्रम। में हम एक छोटा जहाज़ उन्होंने अरेंज किया था
हम उसमें गए थे दिल्ली से ग्वालियर, तो जाते हुए भी जहाज़ में दिक्कत लग रही थी हमको, और आते हुए वो जैसे रनवे पे उड़ने वाला था कि उसका लेफ्ट वाला इंजन कोलैप्स कर गया, डाउन हो गया। तो महादेव की शक्ति है, जगन्नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, और जब भोला चाहिए दिन तक रात कैसे हुई। हम लोग महाकाल महादेव के भक्त हैं तो बच गए हम। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो सारे पता नहीं जहाज़ किसका था, 6 सीटर था, और वो जो भी जहाज़ के मालिक हैं कृपया आप लोगों जहाज़ को बंद कर दें। दूसरा ये कि वो पायलट से हम पूछे तो बोले 84 समथिंग इन 80s का जहाज़ था, तो 80s का जहाज़ आप लोग कुछ पैसे के लिए चला रहे हैं या कमाने के लिए व्हाटएवर, बट उसके लिए कितनी सारी रिस्क आप ले रहे हैं। वो दो पायलट भी महिला थी, हम भी थे, मेरे साथ लोग भी थे, तो वो कृपया आप लोग ना करें कि आप लोग जहाँ एक पुराने जहाज़ों को चलाने के लिए, बिकॉज अभी भी अलीगढ़ में भी पिछले हफ्ते एक छोटे जहाज़ का क्रैश हुआ, तो ये छोटे जहाज़ आप लोग ना चलाएं। जिस जो भी कंपनी का जहाज़ था ग्वालियर में, वो खड़ा है अभी भी वहीं एयरपोर्ट पर, आप लोग ये जहाज़ चलाना कृपया बंद कर दें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मैं बच गया, और अगर वो जहाज़ उड़ता और सोचिए आसमान में होता, उड़ने वाला था और कोलैप्स कर जाता, डाउन हो जाता इंजन, तो क्या होता। तो आप लोग ये अब नहीं करें, मोदी जी का भारत है, नया भारत है, यहाँ पर सारी चीज़ें अब आधुनिक हो गई हैं, आप लोग उसमें ये सब पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, दो पैसे आप लोग ना कमाएं तो अच्छा है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं पप्पा चाहते थे कि आप उनकी पूजा करें, आएं इसके लिए शायद। जी जी जी, मैं रात ही को कल आ गया, और मैं उनको रात में लेकर आया, जैसे मैं वहाँ से ग्वालियर से दूसरा एक जहाज़ मिल गया, लकीली दिल्ली आए, दिल्ली से मुंबई आए, और अभी इस वक्त आप मेरे घर पर हैं। सर एक आखिरी सवाल है, पाकिस्तान 370 धारा हटाए जाने के बाद से अतरंगी तरीके की बातें कर रही है, आज गणपति बप्पा का त्यौहार है, मुंबई में काफ़ी धूमधाम है, क्या बप्पा से चाहिए किस तरह की सद्बुद्धि दे भगवान पाकिस्तानियों को जो इस तरह की बयानबाजी चल रही है? देखिए पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं, कल दिग्विजय सिंह जी भी कुछ बोले, तो ये दिग्विजय सिंह जी जो बोले बड़ा दुख हुआ हमको सुन के, बाद में अपने बयान से वो पलटने, इन लोगों को सोचना चाहिए कि इस वक्त 370 से कश्मीरी लोग भी खुश हैं, उनके बच्चे पत्थर की जगह अब कलम पकड़ेंगे, सरकार भारत सरकार मोदी जी इतना कुछ उनको दे रहे हैं, उनको एक नया जीवन दे रहे हैं, उनको नया भविष्य दे रहे हैं। 370 से वो क्या पाए थे, सिर्फ गन्स उठाए थे और आतंकवादी बने थे, पाकिस्तान उसी कश्मीर के नाम पर भीख मांगता था पूरे विश्व से। अब आप गूगल करेंगे, भिखारी देखेंगे तो कटोरा लिए इमरान खान की फ़ोटो आती है, तो आप सोचिए कि क्या दुर्दशा है इन लोगों की। ये लोग लड़ने की बात कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये मोदी जी की सरकार, और यहाँ अमित भाई शाह होम मिनिस्टर हैं, तो आप लोग सपने में भी अगर आता है ना वो सपना कि मैं गणेश जी के सामने बैठ रहा हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं, हम अपने भारत को जानते हैं, मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, हम भारत की शक्ति को जानते हैं, हम अपनी सेना की शक्ति को जानते हैं, हमारी फौज की शक्ति को, और पूरे भारत के हर व्यक्ति की शक्ति को जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप लोग ये गीदड़ भपकी देना कृपया बंद करें, पूजा पाठ का देना त्यौहार का, भारत बहुत शांतिप्रिय देश है, लेकिन अब मोदी जी और अमित शाह जी हैं, तो इनको तो मैं बोलता हूँ कृपया आप लोग ना छेड़ें। इमरान खान साहब आपको मेरी ये गुजारिश है कि आप इन लोगों को ना छेड़ें, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, ना आप हमला करने की सोचें, ना आप सपने में भी सोचें, क्योंकि आप लोग बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे, और आवाम ने कोई गलती नहीं की, आप लोगों की बेवकूफ़ियों के वजह से पूरे पाकिस्तान की आवाम तकलीफ़ में आएगी। आप होल्ड कर लिया, आपका नाम विनोद यादव, हमारे साथ गुंडा कल अभी भी करो, आओ 10 गाड़ी लेके पहुंचे आपके जिला में, आप मुझे पर तुझे कहाँ गए उन्होंने बहुत भाई ऐसा बोले आओ सक्षम आवा Oh.
जितनी भी ट्रेनिंग है सब ट्रेनिंग में है। संपूर्ण कलाकार संपूर्ण होता है ना। आप लोग रहिएगा, वही छपेगा ज्यादा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.